हेलो फ्रेंड्स, इंडियन गॉड स्टोरी में आपका स्वागत है। हम सभी ने कई बार हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन किए होंगे। हनुमान जी के इस रूप की भी अत्यधिक मान्यता है, लेकिन क्या आप में से किसी को यह पता है कि हनुमान जी के इन पांच मुखों के पीछे क्या राज छिपा है? अगर नहीं, आइए पढ़ते हैं ये कथा। कथा के अनुसार राम और रावण की सेना के बीच जब बेहद भयंकर युद्ध चल रहा था, यह वो समय था जब रावण अपनी हार के करीब था। खुद को पराजित देख रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त था, साथ ही तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता भी था। अहिरावण ने अपनी माया का उपयोग किया और राम जी की पूरी सेना को निंद्रा में डाल दिया। वहीं राम और लक्ष्मण को अपहरण कर पाताल लोक ले गया। जब उसकी माया का प्रभाव कुछ देर बाद कम हुआ तो विभीषण को यह ज्ञात हो गया कि यह काम अहिरावण का ही है। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि वो पाताल लोक जाएं और राम और लक्ष्मण की सहायता करें। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे तो उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला। उन्होंने अपने बेटे से युद्ध किया और उसे हरा दिया। फिर वो श्री राम और लक्ष्मण से मिले। हनुमान जी को वहाँ पांच दीपक मिले, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के लिए पांच दिशाओं में जलाया था। अगर इन पांच दीपकों को एक साथ बुझाया जाता है तो अहिरावण का वध हो जाता है। यही कारण था कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पंचमुखी रूप धारण करते ही उन्होंने उत्तर दिशा में वारामुख, दक्षिण दिशा में नरसिंहमुख, पश्चिम दिशा में गरुड़मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख से सभी दीपक एक साथ बुझा दिए। फिर हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मुक्त किया। आइए जानते हैं उनकी पूजा विधि। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को सदैव दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मंगलवार हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसके साथ गुड़ व चने का भोग लगाना चाहिए एवं सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ने से विशेष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त घर के दक्षिण या पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें लाइक और फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।